नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि कोविड महामारी की वजह से पिछले 1.5 साल से विद्यालय बंद था और राज्य सरकार का आदेश आने के बाद आज पहला दिन जो है कोरबा जिले में स्कूल खुला हुआ है। हम अभी खड़े हैं एक निजी विद्यालय विक्रमशिला विद्यापीठ में। हम उनके निदेशक से बात करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत वो क्या व्यवस्था रखे हुए हैं और कितने बच्चे इनके विद्यालय में उपस्थित हैं। आइए हम बात करते हैं निदेशक निशांत कुमार जी से। सर नमस्कार, झारखंड सरकार के आदेश हो गया स्कूल खोल देना है और जिसमें 9 से 12 तक के बच्चे को आना है। आपके यहाँ क्या व्यवस्था की गई है विद्यालय की ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके? सरकार के द्वारा दिए गए इस निर्देश का हम लोग स्वागत करते हैं। ये बात सही है कि बच्चों के लिए तैयारी अति आवश्यक हो गया है क्योंकि पिछले डेढ़ वर्षों से विद्यालय लगातार बंद हुआ। उसके कारण क्या हो रहा था कि बच्चे जो है वो पढ़ाई में काफ़ी पिछड़ते जा रहे थे। ऑनलाइन तो एक अच्छी व्यवस्था है बट हमारे राज्य में और खास करके हमारे कोडरमा जिला में बच्चों के लिए बिल्कुल नया चीज़ था और ये बच्चे इसके लिए कभी एक्वेंटेड नहीं थे, तो जिसके कारण उनको अगर हम लोग ऑनलाइन में कोई चीज़ एक्सप्लेन कर भी रहे हैं तो वो उसको समझ ही नहीं पा रहे। ये बहुत अच्छा पहल है झारखंड सरकार का, तो उसने विद्यालय को खोलने का उनका निर्देश जारी किया है। अभी हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रहे हैं। सबसे पहले जब बच्चे हमारे स्कूल में गेट के अंदर एंट्री करते हैं तो हम लोग उनका थर्मल स्कैनिंग करते हैं। थर्मल स्कैनिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र रखा है, सारे बच्चों से हैंड को सैनिटाइज करते हैं। क्लासरूम में हम लोगों ने अल्टरनेट स्थिति करके बच्चों को बैठाया है, हर बेंच पे एक बच्चा बैठा है और वो अल्टरनेट करके बैठा है। हमारे क्लास में जितने बच्चे उनको हम लोगों ने अल्टरनेट तरीके से बुलाया, जो बच्चे आज आ रहे हैं वो कल नहीं आएंगे, वो उनका फिर क्लास परसों होगा। इस तरीके से हम लोगों ने अपने क्लास में बच्चों को बुलाया। इससे क्या हो रहा है कि कम से कम अभी हम लोगों को बच्चों को कोई चीज़ नई चीज़ देने में सुविधा हो रही है। जैसा कि हम लोग मेरी जानकारी में कि आपके विद्यालय में बस भी चला कर रहा था और फिलहाल मैं देख रहा हूँ आपकी दो बसें खड़ी है, तो बच्चे फिर किस स्थान से आ रहे हैं? अभी हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं की है। अभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही स्कूल आ रहे हैं और हम लोगों ने सभी पेरेंट्स से एक कंसेंट लेटर लिया है कि अब वो अपने बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए तैयार हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वो अपने बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम लोगों ने उनसे कंसेंट लेटर भी ले लिया है। आप सुन रहे थे निदेशक निशांत कुमार को। हमारे इस विद्यालय में और भी शिक्षक हैं और बच्चे, हम उनसे ही बात करेंगे। हमारे साथ हैं विद्यालय के शिक्षक ड्रोन मैडम, हम उनसे बात करेंगे कि विद्यालय प्रोटोकॉल के तहत क्या क्या व्यवस्था करवाई है और कैसे बच्चों को पढ़ा रही है। मैडम नमस्कार, कैसे विद्यालय को सफल कर रहा है, कैसे आप कौन प्रोटोकॉल पढ़ाई कर रहे जो भी चैप्टर्स बचे हैं वो अभी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आइए हम बात करते हैं कुछ बच्चों से भी कि वो पिछले 1.5 साल के बाद विद्यालय आए हैं तो उनको क्या समझ में आया। इधर पिछले 1.5 साल के बाद विद्यालय आइए कैसे समझ में आया? कैसे अभी कोविड का जो महामारी चल रहा है और इसमें जो उन्हें कैसे सुरक्षित रख पाऊंगे? और इसमें तो विद्यालय में व्यवस्था है। हमारे साथ आप तीन बच्चे हैं, मुझसे बात करिए बेटा, फिर विद्यालय इतने दिनों के बाद आइए कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपका पढ़ाई शिक्षा में हो पाएगी? कोविड प्रोटोकॉल से इनका पार करते हुए अपने आप कैसे दिन बना पाओगे? और कई फिर देखो कोविड बढ़ जाएगा और विद्यालय बंद होगा, कैसा क्या होगा? कैसा फिर विद्यालय कर पाएंगे? हमारे आप बच्चे हैं वो वापस करें विद्यालय के कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे कोविड प्रोटोकॉल में? कोविड से या फिर बड़े जैसा आने वाला है और ऐसा होने का क्या होगा? तो ऑनलाइन क्लास में जो सुविधा मिला था वो ऑनलाइन में समझ में आता है ऐसा? मतलब
आपने सुना बच्चों को भी, ये भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखी है और इनको काफ़ी खुशी है कि पिछले डेढ़ वर्षों के बाद विद्यालय आ पाई है। लाइव लगातार के लिए संध्या के साथ मैं अरुण बर्मन कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।